घोटालों की वारदात सर लगातार बढ़ती जा रही है और आज आपको जानकर हैरानी होगी, चोरों ने सिर्फ एटीएम मशीन से पैसे नहीं चुराए बल्कि पूरी एटीएम मशीन वो उठा कर ले गए। तो रुक करते हैं चाडूरा का, हमारे साथ मलिक जाहिद लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिद बताइएगा एग्जैक्टली कहाँ पे ये एटीएम मशीन थी और कब चोर आए और पूरी की पूरी मशीन लेकर चले गए। जी बिल्कुल प्रियंका, यह आज रात को ये वाकया सामने आया जिला बड़गाम के पांचजन इलाके में, जहाँ पे एक जेके बैंक है, उनका अपना एटीएम है वहाँ पे, उसको आज रात चोर आए वहाँ पे। हालांकि हमने यहाँ पे ऑफिशियल से बात की, वो रात को बंद होता है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है। चोर आए वहाँ पे, उसका जो शटर है वो तोड़ा है, उसके लॉक तोड़े हैं और वहाँ से जो एटीएम है उसको निकाला और कुछ दूरी पे लगभग आधा किलोमीटर वहाँ पे लिया और यहाँ पे इसको कोशिश की खोलने की। हालांकि अभी पता नहीं चल रहा है कि इससे कैश लिया निकाला गया या अभी नहीं, क्योंकि फॉरेंसिक लैब से टीम अभी यहाँ पे पहुंची है और वो अभी यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है वही उठा रहे हैं और इसके बाद देखा जाएगा कि इससे कैश लिया गया है या नहीं। हालांकि जो ही यहाँ पे यह खबर फैली उसके बाद यहाँ पे जो नजदीकी पुलिस स्टेशन चौड़ रहा है वहाँ से भी पुलिस यहाँ पे पहुंची और जो जेके बैंक जो ऑफिशियल है वह भी यहाँ पे पहुंचे, वो इस वक्त से भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो फॉरेंसिक लैब की टीम है उनका इंतजार कर रहे हैं, वो कब खत्म करेंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो कैश है वो निकाला गया या इसी में है। हालांकि हमने ऑफिशियल से बात की, उनका कहना है कि आज से 3 दिन पहले इसमें हमने 30 लाख कैश जमा किया था और जो इनका रिकॉर्ड निकल रहा है लगभग 8 से 9 लाख तक इसमें कैश आज मौजूद था। जी प्रियंका जी बिल्कुल। जाहिद साथ में ये भी बताइएगा कि एटीएम मशीन जहां से वो लेके गए उसकी कितनी दूरी पर ये एटीएम मशीन मिली है और एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे एटीएम मशीन रखी हुई थी और चोर वहां कहां पर फेंक कर चले गए हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, ये जो एटीएम मशीन थी मेन मार्केट 5 में थी, वहाँ से उठा लाया है। यहाँ पे नजदीक एक और गांव पड़ता है 5 जन के साथ गंजीबाग, गंजीबाग और 5 जन के दरमियान यहाँ पे एक बाग है, वहाँ पे इसको लाया गया और यहाँ पे उन्होंने कोशिश की इसको खोलने के, मगर हालांकि हमें यह भी लग रहा है कि वो खोल नहीं पा रहे हैं। अभी हम पूरा नहीं बता सकते क्या खोला है या नहीं, अभी तो जब फॉरेंसिक लैब यहाँ पे जो टीम आई है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा क्या इससे जो कैश है वो निकाला गया। हालांकि अक्सर तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो एटीएम होते हैं वहाँ पे सीसीटीवी भी लगाए होते हैं, मगर यहाँ पे जो सीसीटीवी है वो तोड़े गए हैं वहाँ पे, अभी वो भी देखा जाएगा क्या उनमें उनका वो चेहरा आया है या नहीं, उसकी भी अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। अभी पुलिस यहाँ पे मौजूद है, जितने भी इनके ये जो सबूत है वो देख रहे हैं क्या क्या यहाँ पे मिलेगा और उसके बाद इस हवाले से कह सकते हैं कि चोर कौन थे क्या थे और जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फॉरेंसिक लैब है वो इस वक्त फिंगरप्रिंट रहे हैं, इनको भी देखा जाएगा क्योंकि जितने जो वांटेड जो चोर होते हैं उनसे जो फिंगरप्रिंट है उनके साथ मिलाया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या ये उनके साथ मिल रहे हैं। अगर किसी भी उनमें से चोर में से किसी के साथ मिला होगा तो उनको जल्दी पकड़ पाएंगे, तो इस वक्त जो पुलिस भी है वो भी स्पॉट पे है और पूरा इसमें जो देख रेख है कर रही है। बिल्कुल, एक आखिरी बात बताइएगा जाहिद, जब आपने वहाँ के लोकल से बातचीत की और सिक्योरिटी गार्ड क्या वहाँ पर तैनात होता है, क्या उन्होंने इस बारे में बताया, क्योंकि चोरों के हौसले देखिए आपकी कैसे पूरी की पूरी एटीएम मशीन लेकर वो चले गए और सीसीटीवी कैमरे पहले उन्होंने तोड़ दिए, तो जब लोकल से बातचीत की क्या उन्होंने इस हवाले से बताया, सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं वहाँ। जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से बात कर रही थी। जो हमने मेरे पहले ये बताया कि ये जो एटीएम है खाली दिन को खुला रहता था और जो रात को बंद होता था और वहाँ पे जो शटर है वो भी लॉक होता था और कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे नहीं होता था, खाली दिन में सिक्योरिटी गार्ड होता था और जो चोर आए वहाँ उन्होंने जो लॉक है वो तोड़े और शटर भी तोड़ा है और जहाँ पे एटीएम मशीन ये बिल्कुल सीमेंट में बंद की हुई थी उन्होंने इसको खोदा है वहाँ से और वहाँ से उठाकर एक रेडी में यहाँ तक लाया और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कोशिश की है इसको खोलने के लिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन ज्वाइन करने के लिए। मलिक जाहिद लगातार ग्राउंड से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि चोरों ने किस तरह से मशीन उठाई और कुछ दूरी पर जाके फेंक दी, और अभी चेकिंग हो रही है कि क्या पैसे निकाले गए हैं, कैसे खोलने की कोशिश की गई है। और चाडोरा का पांजन इलाका जहां पर ये चोरी की वारदात पेश आई है, और साथ ही अगर बात करें जैसे कि जाहिद बता रहे हैं कि दिन में सिक्योरिटी गार्ड वहां पर रहता है, और सीसीटीवी कैमरे जो एटीएम मशीन के ऊपर लगे थे उसे सबसे पहले तोड़ा गया है और उसके बाद इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और टीम जिस तरह से जांच कर रही है कि क्या एटीएम मशीन को खोला गया है, उसमें से पैसे निकाले गए हैं, क्योंकि जिस तरह से जाहिद बता रहे थे कि 30 लाख रुपया हाल ही में इसमें जमा करवाया गया था। और अब जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, अब चेकिंग चल रही है जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप चाडूरा से देख रहे हैं, चेकिंग चल रही है, और इसके बाद जब पूरी तरह से जांच होगी तभी सामने आएगा कि जो चोर एटीएम मशीन चुरा कर ले गए थे, क्या उन्होंने एटीएम मशीन को खोला है, उसमें से पैसे निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। पर एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला चाडूरा के पांजन इलाके से, जहां पर चोरों के हौसले कितने बुलंद नजर आ रहे हैं कि रात को आते हैं एटीएम मशीन के ऊपर जो कैमरे सीसीटीवी लगे होते हैं उसे तोड़ देते हैं, और उसके बाद एटीएम मशीन पूरी एटीएम मशीन को ही उठाकर ले जाते हैं, थोड़ी दूरी पर उसे फेंक देते हैं और किसी को कानों कान खबर ही नहीं लगती है। जैसे ही सवाल से अपडेट सामने आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए।